हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशीष सांगवीकर, मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन हूं और मैं मुंबई नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं। आई एम द डायरेक्टर ऑफ रिस्टोर एस्थेटिक क्लिनिक्स विच आर लोकेटेड इन नेरुल नवी मुंबई। आज इस वीडियो में मैं जॉ लाइन डेफिनेशन प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अपने फेस के ओवरऑल एस्थेटिक्स में जॉ लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ब्यूटीफुल वेल डिफाइंड जॉ लाइन आपके फेस को काफी अट्रैक्टिव और यूथफुल बनाती है। इसीलिए काफी सारे लोग होते हैं जो अपने जॉ लाइन को लेके खुश नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं विच आर द वेरियस प्रोसीजर्स बाय विच वी कैन अचीव अ गुड वेल कंटूर्ड वेल डिफाइंड जॉ लाइन। इसमें नॉन सर्जिकल्स और सर्जिकल्स दोनों मेथड्स हैं। नॉन सर्जिकल मेथड्स में सबसे कॉमन या सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो है इंजेक्टेबल डर्मल फिलर्स, यानी हम अलोंग द जॉ लाइन फिलर्स इंजेक्ट करके जॉ लाइन का डेफिनेशन अचीव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप सिर्फ चीन से नाखुश है या आपको कंप्लीट जॉ लाइन डेफिनेशन चाहिए। अगर आपको कंप्लीट जॉ लाइन डेफिनेशन चाहिए तो हम along the complete jawline fillers inject करके उसको काफी prominent बना सकते हैं। ये एक office procedure है, इसको 30 से 40 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है और side effects are very minimal and there is no downtime। इसका एक drawback ये है कि fillers का effect 12 से 15 यानी 12 to 15 months तक रहता है और उसके बाद हमें फिलर इंजेक्शन रिपीट करने पड़ते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेथड में दूसरा ऑप्शन है बोटॉक्स। एक्चुअली बोटॉक्स का काफी कम रोल है जॉ लाइन डेफिनेशन में। बोटॉक्स का एक स्पेसिफिक रोल है जो एंगल ऑफ जॉ में बोटॉक्स हम यूज कर सकते हैं। काफी सारे लोगों में पेशेंट्स में ये एंगल काफी बल्की होता है और उसके वजह से उनका फेस काफी स्क्वेरिश या बल्की दिखता है। तो एंगल को स्लिम या ट्रिम करने के लिए हम बोटॉक्स यूज कर सकते हैं। इस एंगल पे एक मैसेटर नाम की मसल होती है, उसका बल्क बढ़ने से या मसल के हाइपरट्रॉफी के वजह से यहाँ ये एंगल काफी बल्की दिखता है। तो हम वो मैसेटर का बल्क कम करने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन से वो मसल पार्शियली पैरालाइज होती है और उसका बल्क कम होता है। अगेन दिस इज अ टेम्पररी प्रोसीजर। बोटॉक्स इंजेक्शन का जो एक्शन है वो 6 से 9 महीने तक रहता है। उसके बाद अगर हमें एक्शन चाहिए तो हमें बोटॉक्स इंजेक्शन रिपीट करने पड़ते हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट यानी बल्की एंगल ऑफ जॉ को अगर हम परमानेंटली ट्रीट करना है तो एक सर्जिकल मेथड है जिसे हम मसल को डीबल करते हैं, यानी मैसेटरिक मसल रिसेक्शन जो प्रोसीजर का नाम है। इसे हम मुंह के अंदर से यानी इंट्रा ओरल इंसिजन लेके मसल का कुछ पार्ट निकाल देते हैं, यानी मसल को डीबल्क करते हैं। ये 1 घंटे का प्रोसीजर है, तो दोनों साइड में या एक साइड में 6 से भी है। कुछ लोगों में मैसेटरिक हाइपरट्रॉफी एक साइड में भी होती है, तो हम ये कर सकते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो परमानेंट रहेगा, यानी बोटॉक्स जैसा हमें उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। दूसरा एक ऑप्शन है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन का जनरली यूज होता है डबल चीन यानी नेक के अंदर सरफेस, यानी ये चीन और मैंडिबल के नीचे ये सरफेस पे जो फैट होता है, फैट की वजह से उन लोगों का ये एरिया काफी बल्की होता है और जॉ लाइन और नेक में कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है। तो ये डबल चीन को कम करने के लिए हम यहाँ पे लाइपोसक्शन करते हैं। ये लाइपोसक्शन लोकल एनेस्थीसिया में या आईवी सेडेशन में होता है, या अगर पेशेंट प्रीफर करता है जनरल एनेस्थीसिया तो हम जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। कान के नीचे 2 छोटे इंसिजन और 1 इंसिजन यहाँ लेके हम लाइपोसक्शन करते हैं। ये जनरली 30 से 40 मिनट का प्रोसीजर है, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। इनफैक्ट 4-5 घंटे बाद पेशेंट घर जा सकता है और डाउन टाइम ज्यादा नहीं है। 2-3 दिन बाद आप अपना जो भी डेली रूटीन है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो लाइपोसक्शन करके हम डबल चीन का काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अलोंग द जॉ लाइन हम थोड़ा सा लाइपोसक्शन करके एक वेल डिफाइंड जॉ लाइन अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर जो काफी काफी कॉमन है, काफी पॉपुलर है, वो है चीन ऑगमेंटेशन। जैसा मैंने बोला, फेस के गोल्डन रेशियो में लोअर फेस का लेंथ काफी मायने रखता है और कुछ लोगों में ये लोअर फेस का लेंथ कम होने का कारण है कि उनमें चीन का लेंथ कम होता है, यानी चीन रिट्रूडिंग होती है। उन लोगों में हम चीन को प्रोमिनेंट या चीन का लेंथ
बढ़ाने के लिए चीन ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। चीन ऑगमेंटेशन के देर आर टू वेज बाय विच चीन ऑगमेंटेशन कैन बी डन। एक सिलिकॉन चीन इम्प्लांट जो हम चीन के ऊपर डाल के चीन का एक लिंक बना सकते हैं या चीन को ज्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं। एक ये अगेन काफी पॉपुलर मेथड है, वो इम्प्लांट हम इंट्रा ओरल यानी मुंह के अंदर इंसिजन लेके भी कर सकते हैं या यहाँ पे एक छोटा इंसिजन, जो इंसिजन काफी अच्छा हील होता है, कोई प्रोमिनेंट या ऐसा बहुत वेल डिफेंस कार उससे नहीं आता है। हम बहुत वे से चीन इम्प्लांट इंसर्ट करके चीन को ऑगमेंट कर सकते हैं। दूसरा वे है ऑशियस जीनियोप्लास्टी। ऑशियस यानी हम चीन बोन को कट करके उसे नीचे ले सकते हैं और लेंग बढ़ा सकते हैं या उसको थोड़ा सा सामने लेके हम चीन को और प्रोमिनेंट कर सकते हैं। दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। चीन इम्प्लांट में हमें कोई बोन कट करने की वगैरह जरूरत नहीं है, सिर्फ चीन इम्प्लांट करो, चीन इम्प्लांट इंसर्ट करो और जो जो भी आपको चीन का डेफिनेशन चाहिए वो हमें अचीव हो जाता है। और सिर्फ जीनियोप्लास्टी में हम कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में इंसर्ट नहीं कर रहे, आपका ओन बोन है जिसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीन का ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। बोथ मेथड्स आर वेरी सिंपल, डे केयर प्रोसीजर्स है, एक घंटे का प्रोसीजर है और 5-6 घंटे बाद आपको डिस्चार्ज मिलता है, आप घर जा सकते हो। सेंट्रल मैंडिबल जॉ लाइन का जो सेंट्रल पोर्शन है उसको वेल डिफाइन करने के लिए ऑफकोर्स जैसा मैंने बोला टेम्पररी ऑप्शन इज फीलर्स या सर्जिकल ऑप्शन में जनरली यहाँ पे लूज स्किन होती है जो एज के अनुसार लैक स्किन यहाँ पे जमा होती है। हम फेस लिफ्ट या नेक लिफ्ट करके ये सेंट्रल ऑफ मैंडिबल को काफी वेल डिफाइन कर सकते हैं। इसमें अगर हम नॉन सर्जिकल ऑप्शन देखते हैं तो थ्रेड लिफ्ट एक ऑप्शन है जो ऑफिस प्रोसीजर है जिसमें जनरली एनेस्थीसिया वगैरह नहीं लगता है और प्रोसीजर के तुरंत बाद आप घर जा सकते हैं। हम थ्रेड्स के जरिए ये एरिया लिफ्ट करते हैं तो जो यहाँ पे लैक स्किन जमा हो रही है उसको लिफ्ट होगा और ये जॉ लाइन काफी वेल डिफाइन हो जाएगी। दूसरा हम नेक लिफ्ट या फेस लिफ्ट जो सर्जिकल है फेस लिफ्ट है वो भी कर सकते हैं। जनरली सर्जिकल फेस लिफ्ट या नेक लिफ्ट काफी जनरली 50s के बाद जो पेशेंट है जिनमें एजिंग चेंजेस काफी एडवांस है, काफी लैक स्किन है, जो नॉन सर्जिकल वे या थ्रेड लिफ्ट से लिफ्ट नहीं होगी उसके लिए हम सर्जिकल फेस लिफ्ट या साथ में अगर लगता है तो सर्जिकल नेक लिफ्ट भी कर सकते हैं और सेंट्रल जॉ लाइन को वेल डिफाइन कर सकते हैं। जॉ लाइन डेफिनेशन के साथ साथ एक और प्रोसीजर है जो एक्चुअली जॉ लाइन डेफिनेशन प्रोसीजर में इंक्लूड नहीं होती है लेकिन ओवरऑल लोअर फेस ट्रिमिंग अगर हम सोच रहे हैं तो और एक प्रोसीजर कर सकते हैं यानी बकल फैट रिमूवल। चीक का जो एरिया होता है वो बल्कि होने के कारण चबी चीक से ओवल फेस रहता है और ओवल फेस जो लगता है उसे कम करने के लिए और ओवरऑल लोअर फेस को ट्रिम करने के लिए हम पक्कल फैट भी निकाल ले सकते हैं। तो ये सारे वेज है जिससे हम लोअर फेस काफी वेल डिफाइन या ये कर सकते हैं। एक प्रोसीजर हर एक पेशेंट में फिट नहीं होती है इसीलिए आपको एक प्रॉपर वेल एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक सर्जन से सजेशन लेना एडवाइस लेना जरूरी है और डिपेंडिंग कि आपका क्या प्रॉब्लम है जिस इस कारण के वजह से जॉ लाइन डिफाइन नहीं है उस कारण को हम अलग अलग ऑप्शन से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।